15 साल पुराने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में 11 मार्च को फैसला एंड वक्त पर रुक गया। वजह थी पाकिस्तान की एक पीड़िता राहिला वकील द्वारा गवाही का मौका देने की मांग करने वाली लगाई गई अर्जी। आखिर पलों में राहिला वकील ने अपने एडवोकेट मोमिन मलिक के जरिए अदालत में यह अर्जी दाखिल की। इसमें अदालत ने 14 मार्च की तारीख तय की थी ताकि इस अर्जी पर विचार किया जा सके। अदालत को अभी यह भी तय करना है कि अर्जी को सुनवाई का हिस्सा बनाया जाए या फिर नहीं। आज दोनों पक्षों के वकील अदालत में पहुंचे, लेकिन पंचकुला बार एसोसिएशन में वकीलों की स्ट्राइक थी। इसके चलते दोनों पक्षों के वकीलों की NIA कोर्ट में एंट्री नहीं हो पाई। देखिए, जैसे कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पंचकुला में किसी विवाद को लेकर के स्ट्राइक थी, तो उम्मीद की जा रही थी। तो सुबह जब मैं कोर्ट के लिए अपीयर होने के लिए जा रहा था तो मुझे बताया गया कि अभी स्ट्राइक है, तो मैं वापस चला गया। मुझे उम्मीद थी कि 2 बजे तक ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, लेकिन ये स्ट्राइक अभी भी बरकरार है। तो लिहाजा ये अब जो नेक्स्ट डेट लगी है वो 18/3 लगी है। हालांकि 18/3 को मेरे दिल्ली शाहदरा मर्डर के जो 5 मर्डर हुए थे उसमें मैं वहां पर बिजी हूं, लेकिन मजबूरी में जो डेट लगी है मुझे वहां पर उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 18/3 लगी है और 18/3 को इसकी जो रिप्लाई देंगे उसका मैं रिप्लाई लेने के बाद अपने उसमें फैक्ट रखूंगा और उनके जवाब दूंगा और उसके बाद फैसला ये रिजर्व होगा कि इस पे क्या होने जा रहा है। अब अदालत ने इस मामले में राहिला वकील की अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।